जय भाजपा, जय भाजपा, जय भाजपा, जय भाजपा, भारतीय जनता पार्टी, भारतीय जनता पार्टी। एक बार मोदी जी, बार बार मोदी जी, एक बार मोदी जी, बार बार मोदी जी, एक बार योगी जी, बार बार योगी जी, एक बार भाजपा, बार बार भाजपा, एक बार नैया जी, बार बार नैया जी, स्वागत है, स्वागत है, जय राम जी का स्वागत है, स्वागत है जी, स्वागत है, जय राम जी का स्वागत है, भारत माता की जय। Thank you.
इसी के साथ हम आपको बताना चाहेंगे कि आज
इस शुभ अवसर पर कोहली से तवाई सड़क के चौड़ीकरण तथा सुधार कार्य का भी शिलान्यास क्षेत्रीय अस्पताल जम्मा से बालू माया पक्का टाला सड़क के चौड़ीकरण तथा सुधार कार्य का भी शिलान्यास जिसपे 2,21,00,000 रुपए की धनराशि नगर वैली पुल के निर्माण कार्य के लिए मिलेगी 2,18,00,000 रुपए की आज शुभारंभ किया जा रहा है। रजेरा से 71,00,000 से जलापूर्ति योजनाएं तैयार होगी। नवाड़ के अंतर्गत ग्राम पंचायत लुकुटी धार तथा फैली के लिए विभिन्न बहुत योजना का शिलान्यास पुलिस बैंक चम्मा में पुलिस स्टेशन भवन का शिलान्यास पुलिस बैंक से किया जा रहा है। हम आपको बताना चाहेंगे स्कूल उद्घाटन 13 में किए गए हैं इन पर लगभग 100। हम आपको बताना चाहेंगे कि आज मुख्यमंत्री महोदय द्वारा जिला चंबा में भी बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ ये जो सामने क्वालिटी रोड बनाया है ना लोग खड़े हैं उनसे भी आग्रह रहेगा सिर्फ रास्ता अभी से चलो 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 उनका मैं जिला चंबा में पधारने पर जिनकी गहराइयों से स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। आगे के कार्यक्रम यहाँ का चंबा थाल और सुनीति जिल सोल टोपी देके सम्मानित करें जोरदार तालियों के साथ का स्वागत है। इनको भगवान श्री रामचंद्र जी की मूर्ति देके सम्मानित करेंगे। मैं सभी से आग्रह करूंगा जोरदार तालियों के साथ उनका स्वागत करें। अतिथि देवो भव। मैं आग्रह करूंगा प्रभु जी आप हमारे बीच में आज समरसता हमारे बीच में हमारे पटियाल के एमएलए और हमारे प्रदेश के मुख्य सचेतक श्री विक्रम सिंह जरियाल जी भी पधारे। सिंह जरियाल जी जो हमारे हिमाचल प्रदेश के मुख्य सचेतक हैं और पटियाल के विधायक हैं उनको भी मंडल के अध्यक्ष जो है सोल टोपी और स्मृति चिन्ह देके सम्मानित। मैं आग्रह करूंगा हमारे जिला के सम्मानीय उपाध्यक्ष और यहाँ पे उनको भगवान जी की मूर्ति देके सम्मानित। मैं आग्रह करूंगा हमारे जिला के महामंत्री वीरेंद्र। हमें आग्रह करूंगा हमारे के सम्मानित कर रही है हम चेम साहब का दिल की गहराइयों से चंबा के दौरे से स्वागत और अभिनंदन करते हैं। ये तो जाना शुरू हो जाता है।
समिति जी देखे सीएम साहब को स्वागत करें। धन्यवाद महोदय। चंबा कांगड़ा के सांसद श्री किशन कपूर जी को समिति चिन्ह शोर टोपी देकर सम्मानित करेंगे। मैं आग्रह करूंगा कि धन्यवाद महोदय। भाई जी होगी अब मैं इस रस्म को आगे बढ़ाते हुए आग्रह करूंगा। भारत माता की वंदे। जय राम जी को जय श्री राम। जय राम जी को जय श्री राम। स्वागत है भाई, स्वागत है। फिर कपिलों द्वारा यहाँ पर बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान का भी बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान के अंतर्गत उच्च शिक्षा और लोक कला के क्षेत्र में जो उत्कृष्ट स्थान हासिल किया है आपसे अनुरोध रहेगा कि सर्वप्रथम हमारे बीच मौजूद पद्मश्री ललिता वकील जी से अनुरोध रहेगा कि वह मंच पर सम्मानित करने की कृपा करें। पद्मश्री ललिता वकील जी को इससे नवाजा गया है। ये हमारे लिए बहुत ही गौरवमयी पल है कि आज पुनः एक बार हमारे माननीय मुख्यमंत्री अपरिहार्य कारण आवश्यक बैठक के लिए उन्हें जिला चंबा से बाहर गए हैं। उनके स्थान पर उनके आदरणीय माता पिता जी भी यहाँ पर बनी है और राज्य में दूसरी सबसे कम उम्र की चंपा ठाकुर जिन्होंने कबड्डी में राष्ट्रीय स्तर पर गोल्ड मेडल हासिल किया है उनके भी अभिभावक गण से हमारा अनुरोध रहेगा। हमारी उसको बधाई देना उनको है। डॉक्टर नीतिका बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान के चमियाली थीम सॉन्ग का प्रमोशन आपने कर चाहेंगे। एक बार पुनः माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी से हमारे वन मंडल चंबा द्वारा हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा चलाई गई योजना एक बूटा बेटी के नाम के अंतर्गत बेटी के जन्म पर वन विभाग हिमाचल प्रदेश के सौजन्य से एक निःशुल्क किट प्रदान की जा रही है जिसमें थैंक यू सर।
युद्ध निगम ने जी जोरदार तालियों के साथ मोदी जी का स्वागत करें। अब मैं आग्रह करूंगा एमसी की वाइस चेयरमैन श्रीमती सीमा कश्यप जी से सर सामने धन्यवाद। अब मैं आग्रह करूंगा चंबा के मंडल अध्यक्ष श्री विनोद जी से जो मंच पे आए और अपना स्वागत भाषण रखें। विनोद जी जोरदार तालियों के साथ विनोद जी का स्वागत करें। भारत माता की जय। इतनी देर कर तुझे आदमी मुख्यमंत्री के इंतजार में बैठ रहे जाए बड़ी घाट सब आवाज कहना हमें। भारत माता की जय। राम जी को जय श्री राम। जय श्री राम। जय श्री राम। जय राम जी को जय श्री राम। जय श्री राम। जय श्री राम। नायर जी को जय श्री राम। जय श्री राम। जय श्री राम। आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित हिमाचल प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय जयराम ठाकुर जी, चंबा कांगड़ा के सांसद आदरणीय किशन कपूर जी, हिमाचल प्रदेश सरकार में मुख्य सचेतक एवं विधानसभा विधायक के विधायक आदरणीय विक्रम सिंह जरियाल जी, चंबा सदर के लोकप्रिय विधायक आदरणीय पापा नैयर जी, ब्रह्मौर के लोकप्रिय विधायक भाई जियालाल जी, मार्केट कमेटी के चेयरमैन एवं गरौजी विधानसभा क्षेत्र के भाजपा के प्रत्याशी बड़े भाई डी एस ठाकुर जी, डिप्टी कमिश्नर चंबा धुनीचंद राणा जी, एडिशनल एसपी विनोद जी, नगर परिषद की अध्यक्षा श्रीमती नीलम नैयर जी, भाजपा के प्रदेश जिला मंडल के सभी पदाधिकारी एवं वरिष्ठ कार्यकर्ता, इस पंडाल में उपस्थित मातृशक्ति प्रेस के बंधु व यहाँ पर उपस्थित समस्त जनता, मैं आप सभी का यहाँ पर प्रधान्य पर चंबा मंडल की ओर से हार्दिक स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। आज डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी की जयंती है, इसके लिए भी आपको बहुत बहुत बधाई। आदरणीय मुख्यमंत्री जी जो स्वागत है कई सौ करोड़ की आपने चंबा विधानसभा क्षेत्र के लिए दी है, इसके लिए चंबा विधानसभा क्षेत्र के लोग आपके सदैव ऋणी रहेंगे। और ये जो करोड़ों के शिलान्यास आपने चंबा विधानसभा क्षेत्र की तरक्की के लिए किए हैं, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आदरणीय मुख्यमंत्री जी, जब से आपने हिमाचल प्रदेश का कार्यभार संभाला है, हिमाचल प्रदेश दिन दोगुनी रात चौगुनी तरक्की कर रहा है। आपने गद्दी संभालते ही कैबिनेट की पहली बैठक में जो निर्णय बुजुर्गों के लिए लिया था, उनकी वृद्धावस्था पेंशन की आयु सीमा जो 80 वर्ष थी घटाकर 70 वर्ष किया, और अभी मार्च में आपने उसी सीमा को घटाकर 60 वर्ष किया है, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जो मुख्यमंत्री बुजुर्गों का आशीर्वाद लेकर चला हुआ है, मैं ये दावे से कह सकता हूं कि आपको हिमाचल की गद्दी पर दोबारा बैठने के लिए कोई भी ताकत रोक नहीं सकती। कोरोना काल में भी आप चंबा के लोगों का हालचाल जानने के लिए चंबा आए, इसके लिए भी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं इस पंडाल में बैठी चंबा की समस्त जनता से ये अनुरोध करता हूं कि जो आदरणीय मुख्यमंत्री जी हमारे कोरोना काल में यहाँ चंबा के लोगों का हालचाल जानने के लिए यहाँ चंबा आए, आप सभी खड़े होकर स्टैंडिंग ओवेशन दें और तालियों के साथ इनका स्वागत करें। सभी से अनुरोध है, मातृशक्ति से भी अनुरोध है कि तालियां की कमी नहीं रहनी चाहिए। विधानसभा क्षेत्र चारों ओर तरक्की के रास्ते पर चला हुआ है और आदरणीय नैयर जी दिन रात काम में जुटे हुए हैं। चंबा विधानसभा क्षेत्र के लोगों ने तीन बार भाजपा को जिताकर शिमला विधानसभा यहां से भेज चुके हैं और आपके आशीर्वाद से चौथी बार भी भाजपा को जिताकर विधानसभा शिमला में भेजेंगे, ऐसा विश्वास मैं आपको चंबा की ओर से कहना चाहता हूँ। आप सभी इतने दूर दूर से यहाँ आए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। सदर के सम्मानीय अध्यक्ष श्री पवन जी से जो मंच पे आए
और आज का अपना भाषण यहाँ पे रखे, जोरदार तालियों के साथ स्वागत करें नैयर जी का। नैयर जी को जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। लोकप्रिय मुख्यमंत्री परमेश्वर देव आदरणीय श्री जयराम ठाकुर जी, कांगड़ा चंबा के लोकप्रिय सांसद आदरणीय श्री किशन कपूर जी, पटियाल विधानसभा क्षेत्र के विधायक व प्रदेश सरकार में मुख्य सचेतक आदरणीय श्री विक्रम सिंह जरियाल जी, भरमौर पांगी के लोकप्रिय विधायक श्री जियालाल कपूर जी, हिमाचल प्रदेश एस सी एस टी कॉरपोरेशन के उपाध्यक्ष भाई जय सिंह जी, चंबा मार्केट कमेटी के चेयरमैन मेरे भाई डी एस ठाकुर जी, हमारे जिला के अध्यक्ष श्री जसवीर नागपाल जी, डिप्टी कमिश्नर चंबा आदरणीय श्री डी सी राणा जी, एएसपी आदरणीय मनोज दीवान जी, जिला परिषद के अध्यक्षा श्रीमती नीलम अय्यर जी, मंडल अध्यक्ष विनोद जी, मेरे चंबा नगर परिषद के समस्त पार्षदगण, विभिन्न पंचायतों से आए प्रधान उप प्रधान व अन्य सदस्य, हमारे बूथ अध्यक्ष बूथ पालक पन्ना प्रमुख बीएलए और सभी मोर्चों के पदाधिकारी यहाँ पर आए सारे मेरे मीडिया और मेरे पत्रकार बंधुओं और भारतीय जनता पार्टी के समस्त कर्मठ कार्यकर्ता व चंबा की जनता। सबसे पहले मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का तहे दिल से धन्यवाद करता, मुझे मेरे ख्याल 2 साल हो गई मेरे पीछे मेरे मिले चंबे का प्रोग्राम बना, चंबे का प्रोग्राम बनाओ और देख लियो आज 2 दिन का चंबे का जरा प्रोग्राम चंबे ने बनाया, इसके लिए मैं मेरा तहे दिल से धन्यवाद करता। और जरा आज का दिन जरा चंबे वास्ते बड़ा इतिहासिक दिन है, क्योंकि अज जरा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का इतने जन्म दिवस है और अज ही हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी जो आए गए इन्होंने 295 करोड़ रुपये शिलान्यास और उद्घाटन किए। क्यों अज सरकार बने 4 साल, 2 साल तो चली है कोरोना बिच, पर कोरोना बिच भी असने कभी यह महसूस नहीं होया हमारे चंबे वास्ते कि कोई हमारे काम रुके होंगे, जिस मौके पर असं इन्हें जाते ये बिल्कुल हमारे चंबे के प्रोटी कहने और चंबे कहने पूरा प्यार है, मैं कहने अं जहाँ भी जाते वे मैं चंबे आना चाहता और एक बार फिर मैंने नजर चंबा आने पर अपनी और कौर चंबा समझ चंबा के लोगों के कहने इन्हें प्यार है मेरे स्वागत और कहने का धन्यवाद। असा पूरा 4 साल पूरी ईमानदारी कहने और बिना किसी भेदभाव कहने जोड़ा चंबे के विकास का कहा मैं काम किया और जिस मौके मैं इतने पहली बार इतने जीती गई मैं आया, मैं इस साइड गया था, 100 बार इस साइड गया था ठाकुर साहब और इतने जितनी भी सड़क थी कई सड़क थी कई अंदर चूना सुटे काम बंद हो सारे इतने जितने भी असने शिलान्यास किए और जो असने उद्घाटन किए एक भी काम जो माना इतने जो है बंद नहीं, जितने भी शिलान्यास किए और अपने जितने शिलान्यास किए चाहे वह पीडब्ल्यू डिपार्टमेंट ने किए चाहे वह आई पी एच डिपार्टमेंट ने किए, मेरी यह रिक्वेस्ट है कि जल्दी की जल्दी जो काम शुरू किए जाए और मुझे पूरा विश्वास है ये हमारे पीडब्ल्यू डिपार्टमेंट काम कर दें, ये हमारे आई पी एच डिपार्टमेंट काम कर दें, हमारे और बाकी इलेक्शन बोर्ड भी किया इस मौके हमारी पूरी डिस्ट्रिक्ट की टीम जी ठाकुर साहब बिल्कुल बढ़िया काम करते हैं, चाहे हमारे डिप्टी कमिश्नर आदि राणा जी चाहे हमारे जितने भी ऑफिस हमारे जितने अधिकारी करें सारे बिल्कुल दिन रात इनके लगे रहे और इन्होंने चंबा तरीके में पूरा इन्होंने पूरे योगदान और देखा होना जे इतने ठाकुर साहब हमारे जो पीडब्ल्यू डिपार्टमेंट ने पिछले 4 साल अंदर 100 किलोमीटर जी सड़क बनाई और पिछले 70 साल अंदर 300 किलोमीटर सड़क बनी और हमारे 4 साल अंदर 100 किलोमीटर सड़क बनी चंबे अंदर, हिसाब लो 70 साल अंदर 300 किलोमीटर और 4 साल अंदर 100 किलोमीटर सड़क जी हमारी पीडब्ल्यू डिपार्टमेंट ने बनाई है और इस अंदर एक सिला ग्राज हमारी जी सड़क है हमारी 1982 के बाद इतने गति की गैंती नहीं बजी
और इसके विशेष छह लाख राठ अंदर मारी चार साठ का रकम तेला के रहता हमारे छह लाख राठ और छह लाख राठ सुनो था और इस अंदर मरेटी का छह लाख वाइनी का काम इतने लगे रहा और ये 1982 के बाद इतने कदी गलती लगी ना कि मेरे पे गुजर भाई वगैरह बैठे ये तो पहले थे कांग्रेस के और पहली बार ही होना क्योंकि असि मेरे काम किते मेरे जो 70-60 ठगते रहे लोग कोई भी आदमी नहीं रहे जो इन्होंने कुछ अंदर नौकरी में आपे आई कि मेरे 6-7 आदमी जो गवर्नमेंट सर्विस में लाए और आज को पहली बार होना जी गुजर भाई लोग भी इतने इतने सारे टिकट हो ये सब एक साथ जीते मारे वो थी तड़गरा 70 साल का चाहे स्कूल के बच्चे थे चाहे ग्रां के बच्चे थे ये गुरूर अंदर आते रहे और कभी ना फोन करे ताज टूटी की जी कभी बेचारा बच्चा कोई डिगी पिया खड अंदर पी है और इन्होंने इस साइड कोई ध्यान नहीं था। मैं माने मुख्यमंत्री जी रिक्वेस्ट की थी कि मेरे सर यही गल है और ब्रिज बनना चाहिए बड़ा भारी जरूरी है और इन्होंने रो पे इंडिया की टीम जब भी आई एच एन साहब भीतर बैठे मैंने पहले वो आए थे हजार वास्ते मैंने पहले थोड़े ग्राम का सर्वे करो और इन्होंने सर्वे किया और 125 करोड़ रुपये का जोड़ा इसका इन्होंने एस्टिमेट बनाया और 125 करोड़ रुपये दियो और असि रोड पे काम कर देंगे। अभी मैं माननीय मुख्यमंत्री जी ने रिक्वेस्ट की थी कि 125 करोड़ रुपये चाहिए और इन्होंने उसका पूरा प्रावधान हल किया फिर भी जो एस सी साहब ने बोलिया कि नहीं सर रूड रोपे का फायदा के सड़क बनाओ और अज उस सड़क का काम लगे थे 70 साल बाद लोग बेचारे गुरूर अंदर आते थे और अज उस सड़क का काम जोर शोर कर लगे और जो 2 महीने तो सड़क बनी भी जानी है ये ऊपर गुरूणा की रोड है कल डॉक्टर साहब मैं तुम दस मेरे इतने मेला लगे रहा राणी सुनहरा जी ने बलिदान दिता था चंबे के पानी वास्ते कल मेला खत्म होया ये 70 साल तक उस सड़क जो नहीं बनाई सके। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का रिक्वेस्ट की थी कि सर ये गल है और इन्होंने उस मौके पैसे का प्रावधान किया और जाओ सड़क जोर शोर कंधे उसे कम लगे रहा और मुझे बोला 3-4 महीने तो सड़क जो पूरी जाए यार रोड का इन्होंने से लेना किया अब तो जाओ यार रोड पर जोर शोर कंध कम लगे रहा और मेरी विधानसभा अंदर कोई सड़क ऐसे नहीं होनी जिस अंदर टायर ही नहीं हुई हरेक अंदर लुक भेजिए मैं कई जगह दिखता उसे लुक भी है और मारे विधानसभा क्षेत्र अंदर कोई लुक नहीं है पूरी सुंदर लुक भेजिए सारे मारे जी और पूरी 94 स्कीम मेरे पीडब्ल्यू डिपार्टमेंट अंदर मारी सर बनी है उस अंदर 306 करोड़ रुपये जो है इस अंदर इसका पैसा था इस अंदर और इस अंदर इन जैसे ने इसका जी शिलान्यास किया 57 सड़क स्कीम जी मारी बिल्कुल कंप्लीट हो गई मुख्यमंत्री मेरा 7-8-10 ग्रां जो पूरी पार की भैंड जितनी भी है ये सारी इस अंदर जी है ये कवर होंगी है सारी इस अंदर चाहे वह खजियार है चाहे वह बड़ी है चाहे मंगल है चाहे थड़ है चाहे चील बंगला है ये सारी जितनी पुरानी पाइप सारी चेंज हो गई है और इस अंदर टैंक ट्यूब बढ़ी है ताकि टाइम थोड़ा इशू लगना पर मैं चीफ साहब का निकल था करता इन्होंने बोला अभी इसका टेंडर भी जल्दी लगाई देना और इस कहीं जी एक सड़क थी मारिया सिरकुंड दिन थी मारी सरौल का सिरकुंड तक वाइनी का तब जोर शोर कर लोगों ने बड़ी डिमांड थी एक सड़क रिजेरा सिंगे 25 साल का सड़क जी इसका काम बंद था जितने बाद मैं उसे रिजेरे गया मेरे मैंने एक्शन साहब मारे करने थे और उसी मौके असने लोगों ने भी गलबात की थी और उसका भी असं जोड़ा काम अभी जोर शोर को और एक मेरा भरमौर के जाने लास्ट एरिया हमारा जब सनैन रोड कंप्लीट होगी और उस अंदर लुक भी पेगी मारी सारी जुमार रोड की वाइनिंग होगी मारी कोली चील बंगला हरिपुर से नाणू लुड्डू से बाढ़ रिजेरा दैली सात से फतेहपुर लुड्डू से गनवाणी कोलगा चटकरी चनेड़ गनोता चंबा दतरेड़ रठियार मानकोट इतनी सड़क है जाली में गणाने लगा था ये आधा घंटा सड़कों लग जाना मुझे भी याद नहीं सड़क को
एक और माननीय मुख्यमंत्री जी से धन्यवाद करता जिस कोरोना महामारी मौके चमड़ी आए थे और असि इतने पार सरौल गए थे मेडिकल कॉलेज ही खड़ा मैं वापसी भरी नगोले मिले सर एक ही सड़क है हॉस्पिटल का बालू अगर ये सड़क बढ़ गया तो 6 किलोमीटर का फर्क होता कि नगोले 6 किलोमीटर का बड़ा भारी होता और मैंने माननीय मुख्यमंत्री धन्यवाद करता कि आज इस सड़क से जो टेंडर हुई है टेंडर खुली है और बड़े जल्दी इस रोड का काम लेकर ब्रिज ने भी टेंडर इस महीने में लग जाने सारे नया ब्रिज बनना और पॉसिबल रोड जी फिर बनी 70 साल क्या करते फिर बोले 4 साल दसो कौन काम होया बोले ठगते नहीं है चलो ऐसा काम नहीं किया तुम दसो पिछले 5 साल सरकार तुम्हारी थी ये काम दसो कोई किया तुमने एक भी सड़क का इन्होंने कोई काम नहीं किया और लोगों ठगते नहीं गई जिसमें इलेक्शन आती इन्होंने चूना सुट देना इलेक्शन खत्म होगी तो चूना बंद हो और अगले लोग बिल्कुल समझी गए सारे सारे काम धराकम पर नजर आते हैं कोई ठगने वाली गल नहीं है अभी पूरी कोशिश करते हैं सारी मेरी जल्दी जल्दी सारे जो बाकी जरा 196 करोड़ का इन्होंने वो किया मैं सारे काम कह सकते हैं सारे काम जो जल्दी जल्दी कर और जिदा ऐसे मुख्यमंत्री को मिलने ऐसे जो इन्होंने जितनी भी स्कीम बनाई इन्होंने सारे गरीब लोग का पत्र बनाए बगैर किसी भेदभाव से कोई एक वर्ग जो नहीं सारे वर्ग जो ध्यान रखी गई इन्होंने स्कीम बनाई इन्होंने गृहणी सुविधा योजना थी और 3 सिलेंडर फ्री कर दिए पिछले इन्हें जो पूछो पिछले 5 साल है सरकार की एक भी कोई इन्होंने स्कीम कोई गरीब लोगों का करना है या कोई चीज फ्री दी थी इन्होंने ये पहली ऐसी सरकार है जो 3 सिलेंडर फ्री अगर जिन्होंने 1 सिलेंडर मिले 2 सिलेंडर और मिले जिन्हें जो 2 मिले और इन्हें एक और मिलना जो अगर नए कनेक्शन लेंगे तो 3 सिलेंडर फ्री मिलने और इं एक तुम्हारी सागरी योजना 31,000 रुपये देंगे हिम केयर योजना तुम देखो आपे भी तुम कार्ड बनाई सकते पहले तुम कार्ड बनाते थे तो 1 साल वास्ते होता था अरे जो वो कार्ड है वो 1,000 का द्वारा 3 साल चल रहा है हमारे माननीय मुख ने ऐसी ऐसी स्कीम बनाई और सारी गरीब लोगों वास्ते और मैं जितनी हमारी एडमिनिस्ट्रेशन है मैं निर्विचार दिल का धन्यवाद करता क्योंकि सारे का पहले ऐसा भी कभी सोचा था कि चलो चलो अभियान चलाए ना 70 साल चलते नहीं सोचा कार रैली 2 बारी चली रही है और अब 1,000 पैराग्लाइडिंग का कंपटीशन इंटरनेशनल उस दिन भी पैराग्लाइडर आए और मैं एक और माननीय मुख्यमंत्री धन्यवाद करूँ कि जो 1,000 पैराग्लाइडिंग थे सर इतने साइड मेरी उपयोग नहीं थी दो चलान होते थे कभी पुलिस डिपार्टमेंट तंग करते थे कभी पुलिस डिपार्टमेंट तंग करते थे और मैं माननीय मुख्यमंत्री जी की रिक्वेस्ट की थी इन्होंने पूरी टीम कुल्लू मनाली के थे जीते और आज हमारे जेडे रोपवे की 2 साइड अप्रूव हुई है कोई लोग बेफिक्र हो गए उतने जगह पैराग्लाइडिंग करते हैं सारे ये हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने और ये हमारे कलेर बोट रेसिंग हुई बाइक रैली हुई इन्होंने कभी ये चीज सोची नहीं इन्होंने कभी भी ये पहली बार चंबे अंदर इन चीजा करने कने पूरे भारत वर्ष अंदर चंबे का ना हुई है पहले कहता पहले कहते चंबा कुछ बोले डोजी कने तो ये जितने भी काम इन सारे ये हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने और तुम्हारे इस रीम के 5 करोड़ 34 लाख लोगों ने जो बेनिफिट मिले सारे अपने भी अगर कोई लोग रही गए कोई तो मेरी उन्होंने रिक्वेस्ट है कि वो ये कार्ड बनाई लीजिए और 3 साल तक ये कार्ड बनना सारे इसका नहीं मैं एक बार फिर क्योंकि हिमाचल के जिन्हें विकास हुए कांग्रेस पार्टी ने कभी सोचा भी नहीं था ये सोचते थे जो 5 साल कांग्रेस की सरकार आनी तो 5 भारतीय जनता पार्टी जानी ये भूल ही जाना थे अब ये 5 स्टेट का इलेक्शन हो तो वहीं खेल और यही हिसाब है हिमाचल से गुजरात क्योंकि जितने भी अपने जो हमारे काम करते हैं इतनी भारी तादाद मेरे गुजर भाई के बैठे मेरे कभी ना नहीं सोचे ना मैं माने मुख्यमंत्री कभी मेरी गल करता जिस दिन मैंने पहली बार हमारे को जुड़े सारे बेचारे और अभी ना पूरा विश्वास लाते अभी बिल्कुल तुम्हारे कन्ने नहीं सहे और जो स्कीम बनाई तुम्हारी 25,000 रुपये तुम्हारे अगर कोई लड़की लेते आओ ना भी हमारे माने मुख्यमंत्री सोच है पहले करके थी ना सोचे ना कभी कि गुजर भाई जी अगर गरीब मेरे बारे में कुछ सोचा जाए कि हमारे माने मुख्यमंत्री की सोच है और जी हमारे संगठन और जी हमारे
सरकार काम ना करती तो बती खिलाना कि 2000 माई अंदर फिर ये सरकार रिपीट होनी और 2024 अंदर सेंटर अंदर फिर सरकार मोदी जी सरकार तो रहे जो शिलान्यास होने बाकी जाली होने सारे ना भाजपा अंदर पढ़ा दाम होना होना कुछ नहीं होना। और मैं माननीय मुख्यमंत्री जो टीचर है जी कोई चंबे में चुकना कोई मगले में चुकना टीचर पूरे करते रहे हमारे अभी जितने भी स्कूल खुले कहने स्कूल की पोस्ट असजवाई। और मैं माने मुख्यमंत्री जी का एक और कह सकता था जिसे सारे मेरे विधानसभा क्षेत्र लोग आ रहे ये तो मेरे पीछे भी गए मेरे तो आगे तो करते जब जितने भी काम होते सारे इकट्ठे कि मैंने मेरी जान खानी सब तो सारे चली जाना इन्होंने मुझे छाड़ा नहीं है। इस वक्त मेरे समाज का एक बड़ी भारी रिक्वेस्ट है कि क्योंकि 2 साल का कोरोना के हमारे चंबे 2 बारी नीचे रुक गई वोटा भी बीच पाओ मारा अगर तुम 2 बारी नीचे अंदर आ रहे हो तो अगर रिटर्न दे देना चंबा विधानसभा क्षेत्र अंदर मेरे जीतने के बाद पहले लोकसभा इलेक्शन हुई उस अंदर 28,500 की लीड आई उसके बाद मुस्लिम कमेटी की इलेक्शन लगी आज तक कभी चंबे विधानसभा क्षेत्र अंदर भारतीय जनता पार्टी की कभी कमेटी नहीं बनी पहली बारी बनी जिला परिषद की चेयरमैन मेरे विधानसभा क्षेत्र का महिला ब्लॉक की चेयरमैन मेरे विधानसभा क्षेत्र का चंबा ब्लॉक की चेयरमैन मेरे विधानसभा क्षेत्र चार चार चेयरमैन ही सर मेरे विधानसभा से इसका मेरे तौर का रिक्वेस्ट करता सर ये सारे मद्देनजर रखते हुए ये जी जितनी भी मेरे डिपार्टमेंट सर चार चार चेयरमैन और मेरे इन लोगों पर जान खाइए चंद्र कुमार जी तो ऐसा एम पी मैं जिंदी अंदर ही दिखा जेडे चंबे से पैसा जेड़ा है वो अपने विधानसभा क्षेत्र 80 लाख रुपये चंबे के लिए अब ये इलेक्शन आनी सार के पहले असर अगर वो चंबे आए तो पहले वो चंबे का पैसा माफ करो लाख का पैसा 80 लाख रुपये जारी दीजिए हमारे इतने सांसद बैठे हैं किशन कपूर जी एम एल का कोई चौथा और जो असा मंगया 2 एम्बुलेंस और पूरी लोड अगले माने मुख्यमंत्री चंबा पहुंचने पर और हमारे सांसद किशन गुर्जर इतने आने पर धन्यवाद करता और सर अब फिर एक बार जाते हैं भी बोला मेरे ख्याल रखे जा करूँगा जो मोर्चा अध्यक्ष चंबा मंडल और उनके टीम भगदड़ नाम चाह करके मंच पे आए तो सीएम साहब को समिति टीम देके सम्मानित करेंगे तलवार देते हुए समिति जी से माननीय मुख्यमंत्री मोदी जी को सम्मानित करते हुए चंबा कांगड़ा के सांसद श्रीमान किशन कपूर जी से कि वो मंच पे आए तो हमारा मार्गदर्शन करें किशन कपूर जी जोरदार तालियों के साथ कपूर जी का स्वागत करें आ करके हो गया
श्री जयराम ठाकुर जी, मुख्यमंत्री हिमाचल प्रदेश, हिमाचल विधानसभा में मुख्य सचेतक और हथियार के लोकप्रिय विधायक श्री चुनचिरियाल जी, चंबा के लोकप्रिय विधायक श्री पवन नैया जी, भरमौर के विधायक श्री जिया लाल जी, मार्केट कमेटी के चेयरमैन श्री पी एस ठाकुर जी, एस टी एस सी कॉर्पोरेशन के अध्यक्ष श्री जय सिंह जी, जिला अध्यक्ष श्री नागपाल जी, मंडल अध्यक्ष श्री विनोद जी, नगर परिषद के अध्यक्ष श्रीमती नीलम जी, उनके सभी पार्षदगण, यहाँ के जिलाधीश श्री राणा जी, एस पी साहेब श्री मनोज धीमान जी, मंच पर असीम भारतीय जनता पार्टी के सभी अधिकारीगण, जिला के महामंत्री श्री धीरज नरियाल जी, श्री वीरेंद्र ठाकुर जी, श्रीमती कांता ठाकुर जी, महिला मोर्चा के अध्यक्षा, अल्पसंख्यक मोर्चा के जिला अध्यक्ष श्री गुलजार जी, जिला उपाध्यक्ष श्री भटियाल जी, भटियाल जी बड़े सीनियर हैं, हमारे साथ ही काम करते थे, और जिला के उपाध्यक्ष श्री दिनेश शर्मा जी, यहाँ के चंबा के मेरे भाई और बहनों, पत्रकार मित्रों, आज बड़ा हर्ष का विषय, मेरे से पहले यहाँ के लोकप्रिय विधायक श्री पवन नैया जी बोल रहे थे और उन्होंने बहुत सारे विकास के काम यहाँ गिनाए और साथ में ये कह रहे थे कि जितने शिलान्यास हुए हैं उन पर काम अतिशीघ्र शुरू होना चाहिए। भाई और बहनों, भारत में आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार है और हिमाचल प्रदेश में जयराम ठाकुर की सरकार है। मैं आपको एक याद दिलाना चाहता हूं, आज से दो वर्ष पहले इसी चंबा के मैदान में लगभग 200 करोड़ के शिलान्यास और उद्घाटन किए गए थे, 200 करोड़ के। आज हिमाचल प्रदेश में सरकार को बने हुए लगभग 4.5 वर्ष हो गए, आज आपके चंबा के, चंबा विधानसभा क्षेत्र के 194 करोड़ के शिलान्यास और उद्घाटन हुए हैं। ये छोटी बात नहीं है, आप इतिहास के पन्ने पलट कर देखो, इतनी बड़ी धनराशि एक चुनाव क्षेत्र के लिए सरलीकृत नहीं कराई बल्कि धरातल पर लाकर खड़ी कर दी गई। और एक याद आपको और दिलाना चाहता हूं, याद कीजिए कुछ वर्ष पहले चंबा में कोई टेस्ट नहीं होता था, चंबा में लोग अपने उपचार के लिए पठानकोट जाते थे, अमृतसर में जाते थे, कोई टेस्ट नहीं होता था। अगर यहां मेडिकल कॉलेज खुला है तो मेडिकल कॉलेज में जितने डॉक्टर चाहिए उतने डॉक्टर उपलब्ध करवा दिए गए हैं। यहां जब कोरोना था हम भी आदरणीय मुख्यमंत्री जी को फोन करते थे कि चंबा का ध्यान रखिए, और मुझे मेरे ध्यान में यहाँ के उप महोदय श्री राणा जी मुझे याद दिलवाते थे, कहते थे चंबा में ये डॉक्टर नहीं है, ये डॉक्टर नहीं है। हम आदरणीय मुख्यमंत्री जी से जब प्रार्थना करते थे तुरंत यहाँ डॉक्टर भेज दिए जाते। और चंबा में जो मैंने टेस्ट की बात की, यहाँ ना अल्ट्रासाउंड होता था ना यहाँ एक्सरे होता था, आज आपके यहाँ लगभग 80 करोड़ का
80 करोड़ का एमआरआई लग रहा है। मैं तो एमआरआई आज उसका आदरणीय मुख्यमंत्री जी उद्घाटन करेंगे। एमआरआई के लिए लोग पीजीआई में जाया करते थे, आज आपके चंबा में उपलब्ध होने जा रहा है। कम रख रही है। हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी 80 करोड़ लोगों को मुफ्त राशन दे रहे हैं, और भी कई सारी योजनाएं हमारे हिंदुस्तान में है। अब कुछ दिन पहले, कुछ वर्ष पीछे जाइए, क्या मुफ्त में मिलता था? आज हिमाचल प्रदेश के बच्चों को वर्दियां मुफ्त मिल रही हैं, आज हिमाचल प्रदेश के बच्चों की किताबें मुफ्त मिल रही हैं, आज हिमाचल प्रदेश के स्कूलों की दशा सुधरी है, किसी चीज की कोई कमी नहीं है। प्लस टू स्कूल कितने खुल गए, हाई स्कूल कितने खुल गए, मिडिल स्कूल कितने खुल गए। अब तो सरकारी स्कूलों में बच्चों की कमी होने जा रही है, कितने स्कूल हमारी सरकारों ने खोल दिए हैं। यहाँ इस वर्ष भारत सरकार का जो बजट पेश हुआ, उसमें 20,000 करोड़ रुपया जो है वो सिर्फ सड़कों के ऊपर खर्च किया जाएगा। 20,000 करोड़ बोलने को आसान है पर ताली नहीं बज रही, दूर तक ताली की आवाज दिल्ली में जाने चाहिए, आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को सुनाई देनी चाहिए। और पानी के लिए 60,000 करोड़ रुपया भारत सरकार ने उसका प्रावधान किया है। अभी कई क्षेत्र ऐसे हैं जो सड़कों से अनछुए हैं, उन सड़कों के लिए पर्वतमाला एक योजना जो है, जो बजट में उसका प्रावधान कर दिया गया है। 8 करोड़ की परियोजनाएं यहाँ लगेगी हिमाचल प्रदेश में भी, वो हिमाचल प्रदेश जो पहाड़ी क्षेत्र है उन क्षेत्रों में ये पर्वतमाला में जो रोप वे लगेगी, और आपके चंबा में भी जो सर्वे हुआ है इस पहाड़ी से लेकर दूसरी पहाड़ी तक ऐसे सर्वा हुआ डलोजी तक में वो रोप वे जाएगी। ये सर्वे में पिछले दिन जब सर्वे हुआ है वो उसका यहाँ सर्वे हो चुका है। भाई बहनों, जहां मैंने तो आज ज्यादा कुछ नहीं बोलना था, पर एक बात और है आपको ये एक याद और करवाना चाहता हूं। रक्षा के क्षेत्र में भी हमारे सेना के अधिकारी ये कहते थे कि हमारे पास एम्युनिशन बहुत कम है, पर हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने मेक इन इंडिया का जब देकर आज हिंदुस्तान ने जो हथियार बन रहे हैं वो हथियार विदेशों में भी एक्सपोर्ट किए जा रहे हैं। आज हिंदुस्तान आत्मनिर्भर हो रहा है, हिंदुस्तान हर क्षेत्र में आत्मनिर्भर हो रहा है। भाई बहनों, आज आप गर्मी से दुखी थे, कितनी ज्यादा गर्मी थी, जहां जयराम ठाकुर जी करोड़ों की योजनाएं लेकर आपके यहाँ आए हैं, खाली हाथ में आए, करोड़ों की योजनाएं लेकर आए, बारिश कई दिनों से नहीं हो रही थी, बारिश लेकर के आज यहाँ आए और सारी ठंडक लेकर आए, जहाँ विकास के लिए इन्होंने कई कीर्तिमान स्थापित किए हैं। आगे भी आने वाले चुनावों में डबल इंजन की जो सरकार है, दिल्ली में हमारी सरकार है, हिमाचल प्रदेश में इस वक्त हमारी सरकार है, अगले बार भी सर जो 2022 में नवंबर में चुनाव होंगे, उन चुनावों में आप पूरा जन समर्थन भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवारों को देंगे। और हिमाचल हिंदुस्तान में 5 राज्यों के चुनाव हुए, पंजाब को छोड़कर बाकी राज्यों में भारतीय जनता पार्टी की सरकारें दूसरी बार बनी है, और यहाँ की जनता भी इतिहास, नया इतिहास बनाएगी। इन्हीं शब्दों के साथ आप सब लोगों का धन्यवाद। जय हिंद, जय हिमाचल। आप उनको सुनने के लिए सुबह से यहाँ पे खड़े हैं। अब मैं आग्रह करूंगा हिमाचल प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री श्री जयराम ठाकुर जी से कि मंच पे आए और हमें अपना आशीर्वाद दे के जाए। श्री जयराम ठाकुर जी, जयराम जी को जय श्री राम, जय श्री राम, आप सबको भी जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। आज के इस कार्यक्रम में हमारे बीच में चंपा कांगड़ा के हमारे लोकप्रिय सांसद
पूरा में मंत्री रहे, हमारी पार्टी के वरिष्ठ नेता आदरणीय श्री किशन कपूर जी, हिमाचल प्रदेश विधानसभा में चीफ व्हिप और आपके हमारे यहाँ चंबा जिला से ही भटियात विधानसभा क्षेत्र के लोकप्रिय विधायक भाई विक्रम सिंह जरियाल जी, हमारे यहाँ चंबा के लोकप्रिय विधायक जिनका भी आपने संबोधन सुना, चंबा जी ने बोला आपने ऐसी है ना ठीक तरह से बोला आपने, चंबा जी ठीक बोल रहे थे ना, भाई पवन नैयर जी भरमौर के हमारे लोकप्रिय विधायक जिया लाल कपूर जी, हमारे बीच में भाई जय सिंह जी जो वाइस चेयरमैन हैं, एपीएमसी के हमारे चंबा जिला के अध्यक्ष श्री डी एस ठाकुर जी, नगर परिषद के अध्यक्ष नीलम नैयर जी, जिला के हमारी पार्टी के सम्मानीय अध्यक्ष जसवीर नागपाल जी, मंडल के अध्यक्ष विनोद जी, डिप्टी कमिश्नर चंबा डी सी राणा जी और इनके साथ हमारे दूसरे विभागों के सभी अधिकारीगण, पार्टी के हमारे सभी पदाधिकारी, पंचायती राज संस्थाओं के सभी चुने हुए प्रतिनिधि, महिला मंडल के सभी प्रतिनिधि, उपस्थित सभी भाइयों बहनों और पत्रकार मित्रों, एक लंबे अवसर के बाद चंबा आना हुआ है। वो इसलिए नहीं कि चंबा शिमला से दूर है, इसलिए चंबा आना नहीं हो पाया, अब चंबा क्या पूरे हिमाचल प्रदेश में बहुत जगह जाना नहीं हो पाया, इस बीच में कोविड का दौर रहा, लंबा रहा और जिसके कारण हम सब लोग प्रभावित हुए, हमारे जाने आने से भीड़ हो जाती है, भीड़ होने से कोरोना फैल जाएगा ऐसा लोग बोलते हैं, तो इसलिए हमने कहा कि हम कारण नहीं बनना चाहते, हम वजह नहीं बनना चाहते हैं कोरोना फैल, इसलिए सबसे पहले हमने अपने ऊपर नियम लागू किए, अगर हमने सोशल रिस्ट्रिक्शंस लगाई लोगों को भीड़ इकट्ठा होने के लिए, उसका अमल अपने आप से शुरू करना जरूरी था, और इसलिए हमने हिमाचल प्रदेश में जब तक कोविड की रिस्ट्रिक्शंस थी तब तक के लिए हमने परहेज किया जाने का, आज जब कोविड खत्म हो रहा है तो हम आपके चंबा आ गए हैं, आपने हमारा स्वागत किया, अभिनंदन किया, इसके लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन मैं एक बात देख रहा था, भले ही मैं देर से आया, भले ही मेरा आना कम हुआ होगा, लेकिन यहां इसी पंडाल के पिछली तरफ जहां पर उद्घाटन और शिलान्यास की पट्टिकाएं लगी हैं, अगर उस दीवार को देखें 22 उद्घाटन के कार्यक्रम और 13 शिलान्यास के कार्यक्रम, कुल मिलाकर के 35 उद्घाटन और शिलान्यास के कार्यक्रम हुए हैं और लगभग 196 करोड़ रुपए के उद्घाटन और शिलान्यास, ताली तो कुछ लोगों ने बजाया यहां पर रिवाज नहीं है, 200 करोड़ रुपए की योजना है इस चंबा विधानसभा क्षेत्र में, दावे के साथ कह सकता हूं कि 35 योजनाओं का शिलान्यास एक वक्त में, एक समय में, एक दिन में नहीं हुआ होगा, ये पहली बार हो रहा है, इसलिए मैं आपको ताली देने के लिए, हम नहीं पहुंचे लेकिन उसके बावजूद भी यहां पर काम हो रहा है और काम थोड़ा नहीं बेतहाशा हो रहा है, नहीं यदि आते हैं चिंतित हो जाते हैं, कई बार आप लोग इनसे
शायद मुझे लगता है कि शाम के समय बात करते होंगे और शाम के समय बात करके इनको धमकी देते होंगे, क्योंकि आपका फोन आना इनको और उसके बाद सीधा मुझे आता है कि मुझे तो चुप जाना मुश्किल हो गया। रवि भी यहां पर अपनी भाषा में कह रहा था, मैं थोड़ा थोड़ा समझ रहा था, मैं चम्मिया भी पहाड़ी आदमी हूं, पहाड़ी भाषा समझता हूं। कह रहे थे लोग बोल रहे थे मुख्यमंत्री क्यों नहीं आ रही, और मुख्यमंत्री आए आज, और आज नहीं कल भी आपके ही बीच में यहां पर है, और हिमाचल दिवस का कार्यक्रम चंबा के चौगान में हमने करने का निर्णय लिया। स्टेट लेवल का फंक्शन चंबा में कल आपके ही यहां पर चौगान में हो रहा है। मुझे मालूम नहीं इससे पहले कभी हुआ होगा कि नहीं हुआ होगा। हम इस बात को अच्छी तरह से समझते हैं कि चंबा एक ऐसा जिला है हमारा जहां पर अभी बहुत काम करने को बाकी, और उसके लिए हम ही नहीं, हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी भी इस बात को लेकर के चिंतित है कि कुछ जिले जहां कम हुआ है काम, जहां विकास की जरूरत ज्यादा है लेकिन अभी ज्यादा नहीं हुआ है, काम कम हुआ है, उन जिलों को पूरे देश भर में उन्होंने इंस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट घोषित किया है, और उस डिस्ट्रिक्ट में हिमाचल प्रदेश में जहां 12 जिले हैं, 12 जिले में किसी जिले के नाम आया तो वो चंबा जिला का नाम आया। इसलिए दिल्ली से भी सीधा आपके साथ एक रिश्ता बना करके इस चंबा के विकास की बात होती है, और मैं इस बात को भी देख रहा हूं जिला कठिन है, परिस्थितियां यहां पर यहां की विकट है, लेकिन फिर भी उसके बावजूद में मैं देख रहा हूं कि चंबा के गांव में सड़कें पहुंच रही हैं, चंबा के घर घर में पीने का पानी पहुंच रहा है, चंबा के दूर दराज के इलाके में जहां बिजली कम हुआ करती थी, वोल्टेज नहीं हुआ करते थे, वहां पर वोल्टेज के साथ बिजली पहुंची है। अब की बार चंबा में क्या पूरे हिमाचल प्रदेश में भारी बर्फबारी हुई, लंबे समय तक हुई, बार बार होती रही, लेकिन फिर भी हमने देखा कि अगर इतनी बर्फ होने के बावजूद अगर वहां पर अगर थोड़े वक्त के लिए कुछ दिन के लिए बिजली अवरुद्ध हुई, बिजली रुकी तो कुछ दिन के लिए रुकी, लेकिन यहां तो ऐसे भी दौर होते थे जब 3 महीने के लिए बिजली चले जाती थी, आपकी बात तो नहीं गई 3 महीने ना, 10 दिन के लिए, 5 दिन के लिए, हफ्ते के लिए, हफ्ते के अंदर सारी की सारी लाइनें हमारी ठीक हो गई। ये अंतर है जिसको अंतर जिस अंतर को समझने और समझाने की आवश्यकता है, और इसलिए हमारे सांसद महोदय जी इस बात का जिक्र कर रहे थे कि दिल्ली में आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी के नेतृत्व में सरकार जो सरकार भारत का सम्मान ऊंचा कर रही है, पहचान बनाने में दुनिया में सफल हुई है, उस सरकार के कामकाज की वजह से हिमाचल प्रदेश को भी बहुत बड़ी मदद मिल रही है, बहुत बड़ा सहयोग मिल रहा है। मैं अभी कुछ दिन पहले दिल्ली गया, दिल्ली में प्रधानमंत्री जी से मिला, फाइनेंस मिनिस्टर से मिला, हमने कहा कि कोरोना के कारण बहुत बड़ा संकट हो गया, हमें मदद करिए, बहुत सारी चीजें हम हिमाचल प्रदेश में विकास की दृष्टि से करना चाहते हैं, लेकिन उन सारी चीजों को करने के लिए हमें सहयोग की आवश्यकता है। भाई और बहनों, मैं आपके बीच में कह रहा हूं, आदरणीय प्रधानमंत्री जी और वित्त मंत्री जी ने हमारी बात सुनी, हम शिमला बाद में पहुंचे, 400 करोड़ रुपए हमसे पहले शिमला पहुंच गया था, इसे डबल इंजन की सरकार कहते हैं। हमने कहा 400 करोड़ तो मिल गया उसके लिए तो धन्यवाद, लेकिन जरूरत और ज्यादा है, और जरूरत ज्यादा है। मेरा जन्मदिन था, हमारी केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी का फोन आया, बधाई दी, और बधाई देने के साथ साथ मैंने उनको धन्यवाद किया। धन्यवाद करते ही उन्होंने कहा कि हम आपको हिमाचल के लिए 200 करोड़ आज और भेज रहे हैं, 600 करोड़ आए,
उसके बाद दिल्ली हमारा फिर जाना हुआ। हमने कहा थोड़ी और मदद हो जाए तो और अच्छा हो गया। हमारे बहुत सारे स्कूल, हमारे बहुत सारे हॉस्पिटल, हमारे बहुत सारे पुल जिनका कार्य चला है, लेकिन वहां पैसे की आवश्यकता है, सहयोग की आवश्यकता है। भाई और बहनों, एक हफ्ते के बाद उसके पश्चात 200 करोड़ रुपए और मिले, 800 करोड़ हिमाचल प्रदेश के लिए मिले। ये है डबल इंजन की सरकार का असर, जिसको हम कह सकते हैं। और उसी तरह से मैं ये भी कहना चाह रहा हूं, और भी बहुत सारे प्रोजेक्ट, हमको टूरिज्म का प्रोजेक्ट 2100 करोड़ रुपए का हिमाचल को मिला, और उसके माध्यम से हम हिमाचल प्रदेश में नई टूरिस्ट डेस्टिनेशन डेवलप कर रहे हैं। हमको जल जीवन मिशन के अंतर्गत जो है पूरे देश भर से सबसे बेहतरीन काम करने का इनाम मिला। हमको जल जीवन मिशन के अतिरिक्त जो है दूसरे क्षेत्र में हॉर्टिकल्चर के सेक्टर में, एग्रीकल्चर के सेक्टर में काम करने, बेहतरीन काम करने के लिए प्रधानमंत्री जी की शाबाशी मिली। और सबसे बड़ी बात तो मैं ये कहना चाहता हूं, जब कोरोना का दौर चल रहा था, जब आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने कहा कि इस कोरोना से बचने के लिए एक रास्ता है, वो है वैक्सीन लगानी होगी, सबको लगानी होगी, हम भी सोचने लगे काम तो कठिन है, सबको कैसे तैयार करेंगे। लेकिन आप सबका मैं हृदय से आभार व्यक्त करता हूं, आप सबका सहयोग मिला। जब वैक्सीन का वो अभियान चला, हिमाचल पूरे देश भर में पहली डोज में भी पहले नंबर पर आया और दूसरी डोज में भी पहले नंबर पर। हमारे कांग्रेस के मित्र प्रचार करते रहे, तो मत लगाओ, ये तो मोदी वैक्सीन है, इसको लगाओगे तो पता नहीं आंखों की रोशनी चले जाएगी, वैक्सीन लगाएंगे इसके साइड इफेक्ट होंगे, आने वाली हमारी जनरेशन बर्बाद हो जाएगी, कई तरह के प्रश्न खड़े करने की कोशिश की। और इसमें सचमुच में बहुत बड़ा दुर्भाग्य इस देश का, जब देश इतने संकट के दौर में से गुजर रहा है और वो राजनीतिक दल अपनी रोटियां सेक रहे हैं, लेकिन लोगों ने उनकी बात नहीं सुनी, ना ही उनकी बात मानी। लोग गए वैक्सीन सेंटर, गए वैक्सीन लगा करके आए, और बाद में जब देखा कांग्रेस के लोगों ने, तो यहां तो कोई सभी, मेरा पड़ोस का इस तरफ का भी वैक्सीन लगा करके आ गया, इस तरफ का भी वैक्सीन लगा करके आ गया, तो मास्क पहन करके वैक्सीन सेंटर में जाता है और वैक्सीन लगा करके आता है, और मैं उसको पूछता है कि अगली डोज कब लगेगी। बेशर्मी की हद है आपको, एक तरफ से बोल रहे हैं कि इसका साइड इफेक्ट होगा, नई जनरेशन बर्बाद हो जाएगी, पीढ़ी खराब हो जाएगी, और एक तरफ से मास्क पहन करके चोरी छुपे जाकर के वहां पर जाकर के वैक्सीन लगाने की बात है। और वैक्सीन लगी, प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी को हम धन्यवाद करते हैं, एक पैसा नहीं लिया, एक पैसा नहीं लिया, बिना पैसे के वैक्सीन लगाई गई। और यहां पर भी वैक्सीन सबको लगी होगी, मैं तुम लगी कि नहीं लगी, लगी तो हाथ खड़े करो, वाला मैं देखू जरा, एक डोज लगी वाला एक वाला एक हाथ करेगा, दो वाले दो हाथ खड़े करेंगे, सबको लगी, डबल डोज लगे, पूरा लगे, हमारा मालूम पड़ गया डबल डोज हो गई। अब बूस्टर डोज मत छोड़ना, बूस्टर डोज भी लगेगा, उसका मिलेगा। आखिरकार किस लिए कर रहे हैं प्रधानमंत्री जी, लाखों करोड़ रुपए का खर्चा किस बात के लिए हो रहा है? इसलिए हो रहा है कि मेरा देश का हर नागरिक, मेरा देश का हर शख्स जो है वो सुरक्षित होना चाहिए, उसके जीवन की गारंटी होनी चाहिए, वो जिंदा रहना चाहिए, वायरस उस पर असर न कर सके, इसलिए वैक्सीन लगाने का निर्णय किया। हमें बड़ा भाषण देते हैं वो लोग, हमें समझाने की बातें कहते हैं वो लोग, और वो इस बात को लेकर के कहते हैं कि क्या किया तुम्हारे जयराम ने, जयराम ने तो कुछ नहीं किया, लेकिन तुम बताओ तुमने क्या किया, 50 साल सत्ता में रहे, कितने ऑक्सीजन के प्लांट थे हिमाचल प्रदेश में? 2 ऑक्सीजन के प्लांट थे, और जिस जयराम को बोल रहे थे कुछ नहीं किया, उसने 50 प्लांट लगा करके हिमाचल प्रदेश के सभी ऑक्सीजन, यहाँ चंबा में आकर के, यहीं आकर के आपका
ऑक्सीजन का प्लांट का मैं यहाँ पर उद्घाटन करते हैं। जो 50 साल सत्ता में रहे, कितने वेंटिलेटर हिमाचल प्रदेश में थे, 50 थे, 30 चलते थे, 20 नहीं चलते थे। आज मेरे हिमाचल प्रदेश में 1050 के करीब वेंटिलेटर है हिमाचल प्रदेश में, जिस जयराम को बोलते हैं कि क्या हम यहाँ चंबा आए हैं और चंबा में जहाँ उद्घाटन और शिलान्यास कर रहे हैं, वहां हम देख रहे थे आपके चंबा के मेडिकल कॉलेज में एमआरआई की मशीन का उद्घाटन हुआ है। 15 करोड़ की लागत से आपके चंबा में एमआरआई की सुविधा लगी, जो सुविधा आपको जाकर के टांडा में मिलती थी, आप पठानकोट में मिलती थी, आप चंडीगढ़ में मिलती थी। इसलिए भाई और बहनों, मुझे आप सबके बीच में यही कहना, काम तो एक ऐसी चीज होती है कि जिंदगी खत्म हो जाती है लेकिन काम खत्म नहीं होते। लेकिन समझने की बात यह है कि हमारी सरकार का 4.5 वर्ष का कार्यकाल पूरा होने जा रहा है और वहां कांग्रेस पार्टी की सरकार अगर 4 महीने की होती तो इतने गंभीर आरोप लगते थे, इतनी बड़ी बड़ी बड़े बड़े उनके खिलाफ मामले दर्ज हो जाते थे। क्यों होते थे? क्योंकि वो घर भरने का काम करते थे, हम लोगों की सेवा करने का काम करते थे। आज हमारी हिमाचल सरकार का, हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार का कार्यकाल 4.5 वर्ष का हो रहा है, लेकिन एक आदमी उठा करके कहीं कहे कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार के ऊपर यह आरोप है, वो हिम्मत नहीं कर सकता। वो इसलिए नहीं कर सकता कि हमने ईमानदारी और सेवा के भाव से हिमाचल प्रदेश के लोगों के बीच में काम करने का प्रयत्न किया। मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि पूरे देश भर में भारतीय जनता पार्टी का माहौल लगातार बढ़ता जा रहा है। कुछ कांग्रेस के मित्र हमको बड़ा शो डालते थे कि आपके 4 साल का वक्त हो गया, हमने कहा तो क्या हुआ, बोला चुनाव आ रहे, हमने कहा तो क्या हुआ, कहने लगे कि हम आ रहे हैं, मैंने कहा तुम्हारे कहने से आएंगे क्या, बोलते यहां रिवाज बना हुआ है कि 5 साल के लिए तुम, 5 साल के लिए हम। हमने कहा रिवाज की बातें पुरानी हो गई, रिवाज खत्म हो गया। उत्तर प्रदेश में योगी के बाद फिर योगी आ गया, उत्तराखंड में धानी के बाद फिर धानी आ गया, भाजपा के बाद फिर भाजपा की सरकारें बन रही है। इसलिए उनको इस बात को समझना चाहिए, रिवाज बदल गया है, अब हिमाचल प्रदेश में भी भाजपा के बाद फिर भाजपा की सरकार हो। आप सबका सहयोग है, आप सबका आशीर्वाद है। ऐसे उछल रहे थे कुछ लोग तो विधानसभा के अंदर ऐसे उछलते हैं जैसे वो स्प्रिंग डॉल होती है ना, जिसमें स्प्रिंग लगा होते खूब उछलती है, उसको नीचे दबाओ तो फिर उछल जाती है। ऐसे उछलते थे विधानसभा के अंदर हमारे विपक्ष के नेता, विपक्ष के लोग। हमने कहा ये स्प्रिंग हटेगी, देख रहे ना, ये उछल कूद आपकी बंद होगी। हमने कहा इंतजार करिए, कहा कि 5 प्रदेशों के चुनाव हो रहे हैं, हमने कहा हो रहे हैं तो क्या हुआ, बोलते हम आ रहे हैं, हमने कहा आ रहे हैं, बोलते पंजाब में आ रहे हैं, मैं कहा कौन आ रहे हैं, चन्नी साहब आ रहे हैं, बोलते उत्तराखंड में आ रहे हैं, बोलते। और चुनाव का परिणाम जिस दिन निकला तो उस दिन हमने सामने जाकर के विधानसभा में आमना सामना हुआ, हमने जोर से नमस्कार की तो नमस्कार का जवाब देने की भी हिम्मत नहीं की, हमने उनको हौसला दिया, कोई बात नहीं भाई, होता रहता है। चनी साहब 2 जगह से लड़े थे, 2 जगह से निपट गए, और एक नेता और हुआ करते थे इनके, जो बड़ा बोलते थे, ताली का जिक्र करते थे,
ताली बजाने की बात करते थे, खुद ही ताली बजाते बजाते चले गए। तीसरे स्थान पर रहे वो सिद्धू साहब, हर बात पे बोलते थे ठोको ताली, और ऐसी ताली लगी, ऐसी ताली लगी कि तीसरे स्थान पर अपना रिजाइन ही भेज दिया सोनिया गांधी जी को। मैं तो मजाक करता हूँ, मैं तो कौन सा शो होता है वो कॉमेडी शो, कौन सा कपिल 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 शर्मा का जो शो होता है, हाँ मैं तो वही कर सकता हूँ, और नहीं हो सकता मेरे से बोलते, ये शो मेरा फ्लॉप हो गया, वो होना था। पूरे देश भर से कांग्रेस खत्म हो गई, उत्तर प्रदेश में 400 से ज्यादा सीटें हैं विधानसभा की। हमने एक मित्र को पूछा कांग्रेस को, मैंने कहा भाई कितने सीटें, मुझे पता था, मालूम था दो ही आएगी, लेकिन मैंने उनको था टेस्ट करने की कोशिश की, मैंने कहा भाई क्या यूपी में कितना, हाँ यार सीटें कितनी, 40 आई 50 आई, बोलते नहीं यार बोलते तो कम ही आई है, मैंने कहा बता दो कितनी आई। फिर मैंने कहा भाई साहब दो ही आई है, 40-50 नहीं आई है, यानी कि वहां पर भी उनको ऐसा लग रहा था कि मैं जो है वो मेरे को मुझे एक तसली देने के लिए कि भैया सिर्फ दिल को तसली देने की कोशिश कर रहे हैं कि नहीं 40-50 आई। 400 से ज्यादा सीटों में दो सीटें आ गई सिर्फ, उस पार्टी का भविष्य समाप्त है, क्योंकि वो परिवार की पार्टी बनकर के रह गई। और कांग्रेस पार्टी के अब कई नेताओं ने कह दिए, बगावत कर दी है तू कि परिवार वालों तुम परिवार संभालो, ये पार्टी संभालना तुम्हारे बस की नहीं है, तुम्हारे परिवार के चक्कर में पार्टी बर्बाद हो गई, हम सब बर्बाद हो गए, तबाह हो गए, छोड़ छोड़ करके भाग रहे हैं, छलांग मार रहे हैं। और उधर भारतीय जनता पार्टी 18 राज्यों में सरकार है, भारत में 18 राज्यों में भारतीय जनता पार्टी और गठबंधन की हमारी सरकार है। आज हमारी पार्टी देश की नहीं दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी, और यह ऐसे नहीं बनी थी किसी के बीच में भाषण दे करके, काम करके करते बनी है। और हमारा यह सौभाग्य है कि आज दुनिया का सबसे मजबूत नेतृत्व अगर किसी के पास है वो हमारे पास है, हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, भारतीय जनता पार्टी के नेता के। हिमाचल प्रदेश में हमने बहुत सारी योजनाओं का हम जिक्र करें, कुल बातें हैं, मुझे लगता है हम कल करेंगे, आज करना उचित नहीं है। हमने गरीब आदमी की सेवा करने की कोशिश की है, जो बेबस है उसकी मदद करने की कोशिश की है। हमने पेंशन का प्रावधान किया, जब मैं सत्ता में आया तो 400 करोड़ रुपए पेंशन देते थे हिमाचल प्रदेश में बुजुर्गों के लिए, महिलाओं विडो के लिए, हैंडीकैप के लिए। कांग्रेस की सरकार में 400 करोड़ रुपए की पेंशन मिलती थी हिमाचल के लोगों के लिए, आज हमने इन 4.5 वर्षों में 1300 करोड़ रुपए दे रहे हैं, 1300 करोड़ से ज्यादा पैसा हम उन बुजुर्गों के लिए, महिलाओं को जो विडो है जो हैंडीकैप है उनकी सेवा करते हैं। हिमाचल प्रदेश में अगर मकान बनाने की बात आती तो 3,500 मकान दिए जाते थे गरीब लोगों के लिए, हमने आज हिमाचल प्रदेश में 12,000 से ज्यादा मकान गरीब लोगों को बना करके, कि हिमाचल हट करके चल रहा है, हिमाचल लोग गरीब लोगों की सेवा करने की दृष्टि से चल रहा है। लेकिन यह भी बात मान करके चलना पड़ेगा कि हमको 4.5 साल के कार्यकाल में से 2 साल से ज्यादा का वक्त कोविड में बीत गया, और कोविड के कारण पूरे पूरे देश की स्थिति बिगड़ी, प्रदेश की स्थिति बिगड़ी, ऐसे में भी काम करते रहना, कोविड के हालात में भी हम यहाँ पर 200 करोड़ रुपए के उद्घाटन और शिलान्यास करके यहाँ आपके बीच में खड़े हैं। लेकिन कांग्रेस के नेताओं को पूछना चाहिए कि आप सत्ता में थे, सरकार में थे, उस वक्त तो कोरोना नहीं था, आप
आपको तारीख को निकालोगा, चंबा एक विधानसभा क्षेत्र के 200 करोड़ रुपए के उद्घाटन और शिलान्यास आपने एक जगह एक स्थान पर एक समय में किए होंगे, नहीं किए होंगे, मैं दावे के साथ कह सकता हूं, क्योंकि काम करने की संस्कृति वहां नहीं थी। वहां तो संस्कृति और होती है, काम किसको बोलते हैं, मुझे बोलते हैं कि जयराम ने कुछ किया ही नहीं, और उनके हिसाब से मैं मानता हूं कि उनके हिसाब से वो सोचते हैं काम, जिसको काम मानते हैं वो तो सचमुच में ना ही करें, वो काम उसको मानते हैं 86,000 करोड़ रुपए का घोटाला हो जाए उसको काम मानते हैं, 1,76,000 करोड़ रुपए का जो घोटाला हो जाए उसको वो काम मानते हैं, वो काम जयराम ठाकुर नहीं करने वाला है, ना ही हमारी सरकार करे। जयराम जी को जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। तमाशा बना रखा था पूरे देश भर में, कॉमनवेल्थ का की गेम होती है उसमें हजारों करोड़ रुपए खा करके चले गए, अरे उन सारी बातों का देश की रक्षा के लिए सामान ले रहे हैं आप, जहाज ले रहे हैं वहां पर, तोपे ले रहे हैं उसमें घोटाले, इससे बड़ा दुर्भाग्य कोई नहीं हो सकता है। और आज हमारा सिर्फ हम दंगे की चोट पे उठा करके कह सकते हैं, यहां से जाते हुए हम बात कर सकते हैं, 2014 से भारतीय जनता पार्टी की सरकार देश में चली है, तो वो उंगली उठा करके नरेंद्र भाई मोदी जी को कह सके कि आपने ये गलत काम किया, ये अंतर है जिसको समझने और समझाने की आवश्यकता है। इसलिए भाई और बहनों में आप सबके बीच में यही कहना चाहा कि आप सबके सहयोग की आवश्यकता है, आप सबके समर्थन की आवश्यकता है। हिमाचल में निश्चित रूप से आने वाले समय में सरकार बनेगी और भाजपा की बनेगी, कोई ताकत नहीं रोक सकती भारतीय जनता पार्टी की सरकार को नरेंद्र भाई मोदी जी के नेतृत्व में, जहां पूरा देश भाजपा के साथ चल रहा है, हिमाचल को कदम से कदम मिला करके चले और उसमें आप सबका आशीर्वाद है, और चंबा विधानसभा क्षेत्र से आप सबका बहुत बड़ा सहयोग मिला है, चंबा जिला से भी अच्छा सहयोग मिला है, एकाधी कसर रह गई है उस कसर को भी पूरा करेंगे, आपकी बार में ये भी कहना चाहता हूं। लेकिन जहां तक चंबा की बात है, नैयर जी ने आपके क्षेत्र के विकास के लिए, क्योंकि इतने चिंतित रहते हैं कि हर वक्त मेरा ये रह गया, मेरा वो रह गया, ऐसा काम करना है, वैसा काम करना है, मुझे और भाग में बहुत ज्यादा आपके क्षेत्र के विकास के लिए प्रयत्न कर रहे हैं, मैं इनको धन्यवाद भी करता हूं, उनको बधाई भी देता हूं इसके लिए, क्योंकि सब मिलकर के काम करते हैं क्षेत्र का विकास करना, एक चुने वो प्रतिनिधि एक विधायक की जिम्मेवारी भी है, उस जिम्मेवारी को आप निभाए। फिर उसके बाद यहां मैंने उनको कहा था कि आज हमें 200 करोड़ रुपए के उद्घाटन और शिलान्यास कर रहे हैं, तो उसके बाद मांगने की क्या जरूरत है, मैंने कहा कि भी कल तो हिमाचल दिवस है, कल तो हम बोलेंगे नहीं, कल मांग भी नहीं सकते हैं, और मांगना भी उचित नहीं, कल विधानसभा क्षेत्र में जहां भी कार्यक्रम होता है आमतौर पर उसमें कोई घोषणा उस विधानसभा क्षेत्र के लिए नहीं होती है, प्रदेश से संबंधित जरूर होती है, लेकिन खास तौर से इसके लिए नहीं होती, विधानसभा के लिए नहीं होती। इसलिए मुझे कहा कि आप आज पहुंचो और समय पर पहुंच जाओ, कल नहीं आज ही हम बात करेंगे, आज ही हम अपने क्षेत्र के विकास की बात करेंगे। और मैंने कहा हम आ गए, और फिर उसके बाद सूची बनाई, मैंने कहा इसको छोटा करो, हमने छोटा करने के लिए भेजा, ये और लंबी बना करके आ गए, हमने कहा ये तो गलत बात है भाई, लेकिन फिर भी जो भी बात कही है हमने अपने क्षेत्र से संबंधित कही है, मैं उनमें दो तीन चीजों को लेकर के अपनी बात कहूंगा। कुछ जगह मैंने प्राइमरी स्कूल की बात कही है, और प्राइमरी स्कूल के लिए ग्राम पंचायत वार्ड, मैंने पहले नीचे बड़ी बात बोलूंगा, वार्ड के लिए कहा है प्राइमरी स्कूल खोलना है, मुझे मालूम नहीं बच्चे कितने के होंगे, बच्चे वही आप लोगों की जिम्मेवारी होगी, वहां पर बच्चे एडमिशन में पहुंचने चाहिए, वार्ड में प्राइमरी स्कूल खोलने की मैं घोषणा करता हूं, ताकि वहां पर बच्चों को सुविधा मिल सके,
और उसके साथ एक धनौती उठाया है ना। धनौती में भी बोला है ना कि भी यहाँ पर भी एक प्राइमरी स्कूल नया खोलना है तो उसको भी मैं खोलने की घोषणा करता हूँ। बच्चे बहुत कम होंगे, अगर दो ही बच्चे होंगे एक ही बच्चा होगा तो मुश्किल होगा, लेकिन बच्चे होंगे जाना। अच्छा, उसके बाद एक और बात कही गई है, चडोली में कहा है वहां पर भी प्राइमरी स्कूल खोलना है, तो ये भी मैं प्राइमरी स्कूल खोलने की यहाँ पर चडोली में भी घोषणा करता हूँ। और उसके बाद एक और स्कूल और बोल रहे हैं, ये गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल भुजा है ना, भुजा में प्राइमरी स्कूल खोलने की बात कही है तो उसको भी हम खोल देंगे, क्योंकि मैं समझता हूं कि चंबा भौगोलिक दृष्टि से कठिन इलाका है और यहां पर बच्चों को, छोटे बच्चों को स्कूल जाने में कठिनाई होती, जब रास्ता कठिन होता आने जाने का तो स्कूल नजदीक होना चाहिए, ये बहुत आवश्यक है। इसलिए अदरवाइज मैं हिमाचल प्रदेश में आजकल प्राइमरी स्कूल कहीं भी नहीं दे रहा हूं, कहीं जरूरत ही नहीं रही है, इतने स्कूल हमने खोल दिए, लेकिन चंबा की स्थिति अलग है इसलिए मैं यहां पर खोल रहा हूं। उसके बाद एक बात और कही है, कुछ प्राइमरी स्कूल को मिडिल स्कूल करने की बात कही है, उसमें गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल सार है, कोई सार से आया हुआ, एक ही आया हो, एक है, दो है, तीन है, कम आए हैं, चलो भाई इनके लिए ताली बजा दो, सब लोग आए हैं। सार को मिडिल स्कूल करने की मैं घोषणा करता हूं, उसको मिडिल स्कूल बना देंगे। और उसी के साथ साथ में एक प्राइमरी स्कूल परेल है, परेल है और ग्राम पंचायत ग्रामन, और उसमें भी कहा है इनमें कि प्राइमरी स्कूल को अपग्रेड करने की जरूरत है, इसको भी मैं मिडिल स्कूल करने की यहां पर घोषणा कर। ग्रामन से आया कोई, वहां से आया, परेल से है कोई? हाँ आए हैं कुछ लोग, दो तीन लोग आए हैं। एक और स्कूल बताया हमने, गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल छतरेड़ी है, इसको भी ग्राम पंचायत बैली है तो इसको भी अपग्रेड करने की, मिडिल स्कूल करने की बात कही गई है, इसको भी मिडिल स्कूल करने की मैं घोषणा करता हूं। और इसके साथ मुझे लगता है कि मिडिल स्कूलों की हमारी संख्या जो है वो तीन हो जाती है, तो उसके लिए मैं आप सबको बहुत बहुत बधाई देता हूं। और उसके बाद एक और चीज कही इनने कि हाई स्कूल को प्लस टू करने के लिए, उसमें पहला स्कूल इनने कहा कडेट, कडेट, कडेट से कोई आए हैं? थोड़े से आए हैं, कडेट से थोड़े से आए, चले गए घर के, उनको भी बता देना भाई। गवर्नमेंट हाई स्कूल कडेट को मैं सीनियर सेकेंडरी स्कूल करने की यहां पर घोषणा करता हूं। और उसके साथ में एक गवर्नमेंट हाई स्कूल राम करके है और ये ग्राम पंचायत सराहा में पड़ता है ये शायद, तो कोई है कोई यहां पर आया हुआ? आए हैं, तो गवर्नमेंट हाई स्कूल राम को भी मैं सीनियर सेकेंडरी स्कूल करने की घोषणा करता हूं। और उसके साथ साथ में एक स्कूल और बताया गवर्नमेंट हाई स्कूल क्या ना, कोडा है नी, कोडा, कोडा को भी यहां से जय श्री राम तो है, लेकिन बच्चे हैं स्कूल में क्या? तो इस स्कूल को भी मैं सीनियर सेकेंडरी स्कूल करने की घोषणा करता हूं। ये सीनियर सेकेंडरी स्कूल हो गया हमारे। और उसी के साथ साथ में एक वेटनरी डिस्पेंसरी ग्राम पंचायत रिंडा के अंतर्गत गांव धबरेन, धबरेन में खोलने की बात यहां हमने मांग की है, तो इसको भी मैं स्वीकार करता हूं, इस वेटनरी डिस्पेंसरी को भी खोल देंगे। और उसके बाद हेल्थ सब सेंटर की बात कही है, खासतौर से मैं समझता हूं कि यहां चंबा में चीज की जरूरत है, हेल्थ सब सेंटर पलुइया, पलुई, पलुई, एक हेल्थ सब सेंटर पलुई, एक हेल्थ सब सेंटर काकिया, काकिया, ककिया, ककिया, ये दो जगह हेल्थ सब सेंटर खोलने की भी मैं घोषणा करता हूं आपके बीच में। एक हेल्थ सब सेंटर और कह रहे हैं जो, जिसके लिए मैंने कहा था कि भी रहने दो, हो गए दो से ज्यादा नहीं हो, लेकिन ये यहाँ खड़े हो गए हैं, अब हट नहीं रहे हैं। और यहाँ गवर्नमेंट ये है हेल्थ सब सेंटर कैला, कैला ग्राम पंचायत कैला में ही, इसको भी मैं खोलने की घोषणा करता हूँ ताकि हेल्थ सब सेंटर वहां पर लोगों को मिल सके। इसके अतिरिक्त और चीजों को लेकर के दो तीन चीजें और बताई,
यहाँ पर साइंस की क्लासेस की शुरुआत करने के लिए साइंस के न्यू साइंस क्लासेस के लिए कहा गया है। सीनियर सेकेंडरी स्कूल मांगला है, मंगला और गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल जडेरा, इन दोनों में सीनियर सेकेंडरी स्कूल में साइंस की क्लासेस खोलने की भी मैं घोषणा करता हूं। और मुझे लगता है कि इससे सारी जो है वहां बच्चों को साइंस की स्ट्रीम में जाने का एक अवसर मिलेगा, मौका मिलेगा। एक और मैं आपके बीच में कहना चाहता हूं, हिमाचल प्रदेश में हमने रोपवे बनाने के कुछ निर्णय लिए हैं, उसमें चंबा के अंतर्गत आपके इस विधानसभा क्षेत्र में बस स्टैंड से जो हमारा यहाँ चौगान है, चौगान के लिए एक रोपवे 25 करोड़ रुपए की लागत से हमने जो है वो उसकी स्वीकृति के लिए भेजा है और उसकी औपचारिकताओं का दौर आगे बढ़ रहा है। और मैं उम्मीद करता हूँ कि बहुत जल्दी ये जो है इसकी स्वीकृति प्राप्त हो जाएगी। जैसे स्वीकृति प्राप्त होगी तो ये आपके लिए चंबा शहर के लिए एक बहुत बेहतरीन एक तोहफा होगा, आने जाने की एक बहुत बड़ी सुविधा होगी आप लोगों को, ये मैं कहना चाहता हूँ। बसों का जिक्र किया है इन्होंने, दो बसों का, एक चंबा से शिमला के लिए और एक चंबा से चंडीगढ़ के लिए। अच्छा ये अच्छा उड़ान सेवा की बात की है, मैं सोच रहा हूँ उड़ान सेवा के लिए जो उन्होंने लिखा है कि यहाँ से हेलीकॉप्टर जैसे शिमला से चंडीगढ़ आता है, चंडीगढ़ से शिमला, शिमला से धर्मशाला, फिर यहाँ से शिमला से कुल्लू जाता है, तो इन सारी चीजों के लेकर के चंबा भी उसमें कवर होना चाहिए। हमने इसको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के साथ जो है, जो हमारा सिविल एविएशन मिनिस्ट्री है, वहां पर हमने इस बात के लिए कहा है कि चंबा इंक्लूड होना चाहिए। ये हमारे प्रदेश का बहुत दुर्गम इलाका है, यहाँ आने जाने के लिए कई घंटे लग जाते हैं, कई घंटे क्या दिन लग जाता है, तो ऐसी सूरत में यहाँ के लिए भी जो है वो उड़ान की हमारे पास सुविधा रहनी चाहिए। इसके लिए मैं उम्मीद करता हूँ कि आने वाले समय में जब उड़ान की इसमें सेवाओं में बढ़ोतरी होगी तो उस दृष्टि से हम आगे बढ़ करके उसमें भी काम करेंगे। इसके अतिरिक्त एक और चीज जो यहाँ पर कही गई है वो ये कही गई कि एक आईपीएच का सब डिवीजन जो है वो खुलना चाहिए। कहाँ खुलना चाहिए, कहाँ स्कीम, इसका मतलब पहले से बनाई हुई है आप लोगों ने, पहले से आप स्कीम बना करके बैठे हुए तभी ये हट नहीं रहे यहाँ से। मैं थोड़ी थोड़ी चीजें पढ़ रहा हूँ, ये इनकी चीज उंगली वहीं लगी हुई ये रह गया, इनको लग रहा कि भाषण खत्म हो जाएगा तो ये रह जाएगा। तो साहू में एक आईपीएच का यानी कि जल शक्ति विभाग का सब डिविजन खोलने की मैं घोषणा करता हूँ और मुझे पूरा भरोसा है इससे इलाके के लिए बहुत बड़ी सुविधा होगी। और उसी तरह से एक और बात इन्होंने कही है कि वो कठिन लग रहा है, उसकी मैं रिपोर्ट के लिए बोला हुआ वैसे, उसकी रिपोर्ट आने का मैं इंतजार भी कर रहा हूँ, मैं चाहूंगा उसकी रिपोर्ट भी जल्दी से आ जाए। और ये कहा गया है कि एक सब तहसील जो है वो भी साहू में खोली जाए, ये उन्हें मांग की है। अब मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ कितने किलोमीटर साहू यहाँ से, 22 किलोमीटर। अरे भाई मैं स्कूल में पढ़ता था, 10 किलोमीटर जाता था, 10 किलोमीटर आता था, 20 किलोमीटर तो मैं रोज का सफर करता था, बस भी नहीं चलती थी, गाँव में पैदल ही जाते थे। तो अब आप तहसील मांग रहे, सब तहसील मांग रहे वहां पर, लेकिन चलो अब आप लोगों की भावनाओं का सम्मान करते हुए साहू में सब तहसील खोलने के लिए मैं घोषणा करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका, लेकिन बात पक्की करो, ऐसे कोई एक तरफ की बात नहीं होगी, ये दोनों तरफ की बात होगी। जो हमारे करने का तो हमने किया है, आपके जिम्मे सिर्फ एक काम, आपने 20 चीजें बताई, 20 करके दी है, 30 बताई है तो 30 करके दी है, 35 स्कीमों का उद्घाटन किया और 15-20 स्कीमें और हमने आपके बीच में यहाँ पर घोषणा की है। जो कहा वो किया है, एक काम हमारे कहने पर करना है कि हिमाचल प्रदेश में फिर भारतीय जनता पार्टी का विधायक यहाँ चंबा से चाहिए। मैया जी आपकी सेवा में लगे हुए हैं, डटे हुए हैं, तो ये कमी किसी तरह से नहीं रहनी चाहिए। जीत भाजपा की होगी, सरकार आज भी भाजपा की है और नवंबर के बाद भी भाजपा की होगी। नरेंद्र भाई मोदी जी देश के प्रधानमंत्री
और हिमाचल प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार, डबल इंजन की सरकार, प्रदेश के विकास के लिए गति देने की कोशिश करेगी। मैं आप सबसे इतना ही कहना चाहता हूँ, साल तो 4.5 हुए, काम करने का मौका 2 साल मिला, इसलिए आने वाले समय में जो है भारतीय जनता पार्टी को पूरा कार्यकाल ऐसा मिले जहां कोविड का दौर ना हो, कोरोना का दौर ना हो, उसके लिए जरूरत है आप सबका आशीर्वाद, और आप सबका आशीर्वाद पूरा मिलेगा ऐसा मुझे पूरा भरोसा है, विश्वास है। इतनी बात कहते हुए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद। एक बार पुनः निवेदन रहेगा माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी से, हमारे पुलिस विभाग के श्री नरेंद्र महाजन सोनू, इन्होंने एक चंबा का गाना तैयार किया है भोना, आपसे निवेदन रहेगा माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी, कृपया अपने कर कमलों द्वारा इस गीत का रिलीज करने की कृपा करें। भोनो रे मेरे आ कल भोरा वो पाके फूल लू, भोनो रे मेरे आ कल भोरा वो पाके फूल लू, भोनो रे मेरे आ कल भोरा वो पाके फूल लू, भोनो रे मेरे आ। Thank you.
भक्तनाथ समर्पयामि ओम गजानन भूत गणादि सेवितं कथितं जंबूफलं चापं मालं